समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सीट से जहां अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य की गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के तौर पर होती है। शाक्य ने इसी साल प्रसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। वे साल 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। वे साल 2012 में एसपी के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इटावा सदर सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर शाक्य बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर दांव खेला है, तो खतौली सीट से बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है।